जन्म कुंडली विश्लेषण। दिन प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी खुद की गलती तो कभी सामने वाले की गलती से किसी की सांसें थम जाती हैं। जाने वाला व्यक्ति तो चला जाता है, जो रिश्ता पीछे छूट जाता है उसे आगे का सफर अकेले ही काटना होता है। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उनके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पत्नी पर जैसे तकलीफों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अब इस वक्त ससुराल वाले अपनी बहू की मदद करने की बजाय उसे घर से बेदखल कर देते हैं। फिर अपने मायके जाती है, वहां भाभी के व्यवहार के कारण वह रह नहीं पाती है। ऐसी अवस्था में पति का एक दोस्त इनकी मदद करता है, लेकिन साथ में बुरी नजर भी रखता है। मरता क्या न करता, और वहां रहने लगती है ये महिला। मजबूरी वश ना चाहते हुए भी कई बार अपना शारीरिक शोषण भी इसे सहन करना पड़ा। बच्चे बड़े होने लगे तो खर्चा भी बढ़ने लगा। अब इन्हें यह एहसास हुआ कि 11th क्लास में पढ़ रही इनकी बच्ची पर भी उसकी बुरी नजर है। वो अपनी बच्ची के साथ होने की इस प्रकार की जो शारीरिक शोषण होने की कल्पना से ही वो सिहर उठती है। माता जी, आज मैं जिनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं वो 16 साल और 8 महीने की बच्ची है। उसकी माता जी ने, मां ने मुझसे ये जानने की कोशिश की है कि इनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जहर खा के मर जाएंगे, और मेरी बेटी का आगे का करियर कैसा रहेगा, यही कुछ जानने की कोशिश कर रही है एक माँ। और मैं करूंगा इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और आपको बताऊंगा क्या है इस बच्ची के ग्रहों का खेल। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने देखिए, 5 नंबर से शुरू होती, जिसे हम सिंह लग्न की कुंडली कहते हैं। सिंह लग्न इंसान को हौसला बुलंद करने वाला इंसान बनाता है। किसी से भी ऐसे लोग डरते नहीं है, खुद अपनी हस्ती बनाने की कला जानते हैं। यह स्वाभिमानी, आत्मविश्वास, स्वाभिमान के साथ साथ स्वयं को मान देने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वही लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि पंचम भाव, जहां पर 9 नंबर लिखे हुए हैं, सूर्य बुध दिखाई दे रहे हैं आपको। सूर्य पंचम भाव में द्वितीयेश और लाभेश, यानी जहां 3 नंबर दिख रहा है 11th हाउस लाभेश, और जहां 6 नंबर लिखे हुए हैं वो कुंडली का धन का स्थान होता है। उसके लॉर्ड बनते हैं बुध के साथ विराजमान होकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है, ये इंसान को दबंग स्वभाव का बनाते हैं। यहां आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और शिक्षा भाव में ये सुंदर जो राजयोग बनाए सूर्य बुध का, ये हायर एजुकेशन की तरफ इस बच्ची को लेकर जाएगा। वही भाग्य स्थान की तरफ ले जाना चाहूंगा। यहां पर बिराजी देखिए, गुरु और शनि विराजमान है। 1 नंबर में शनि नीच राशि को जाते हैं। बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि, यानी 1 से 5 की तरफ दृष्टि, बहुत सुंदर। ऐसे लोग, इंसान स्वाभिमानी लोग होते हैं, गलत काम से आमतौर पर बचते हैं। फिर पराक्रम और शिक्षा भाव पर भी दृष्टि 1 से 7 और 1 से 9 की तरफ ही एरो जा रहा है। इससे इस बच्ची का जो ऑरा है वो बहुत मजबूत होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। एजुकेशन पर गुरु की दृष्टि पड़ने से पढ़ाई लिखाई से लाभ मिलेगा, तो आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव, जिसका आपने प्रश्न किया है कि कहीं मेरी बेटी पर मेरे पति के दोस्त की बुरी नजर, पहले तो मेरे साथ उसने कई प्रकार के शारीरिक शोषण किया है, आज मेरी बेटी जो बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो रही है, उसके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। कोई भी नहीं जी सकता है ऐसे तकलीफों से। अब ये प्रश्न है 7th हाउस का। 7th हाउस होता है पुरुष सुख का, स्त्री सुख का। पति पत्नी तो हमने समाज में रहने की वजह से बनाए। 7th हाउस देखिए, जहां पर चंद्रमा और मंगल विराजमान है, यहां पर भाग्य स्थान और चतुर्थ स्थान 1 और 8 के मालिक मंगल विराजमान है। मंगली तो बनाता ही आपको, साथ में चंद्रमा के साथ विराजमान होने से महालक्ष्मी योग तो बन ही गया। अब लग्न पर पूर्ण सातवी और मित्र पर दृष्टि डालते हैं मंगल। देखिए, चंद्र मंगल दोनों ही लग्न पर देख रहे हैं, इनके लॉर्ड सूर्य बनते हैं जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मंगल को एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष में, सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ऐसे लोग लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, ऐसे लोग उग्र स्वभाव के होते हैं और कई बार स्टबन, एडामेंट, अपनी टांग आगे रखना कि मैं ही समझदार हूं बाकी सब मूर्ख है,
ऐसी भी स्थिति बनती है। फिर देखिए मंगल गुस्सेल जिद्दी तो बनाता है, ये मंगली और है। जब भी आप शादी करें तो मंगली से शादी करना बहुत जरूरी है, अन्यथा मैरिटल लाइफ का डिस्टर्ब होने के चांसेस भी यहां पर बनते हैं। अब ये मंगल आपको साहसी बनाएगा, जिससे इस कन्या के साहस में मुझे तो कोई कमी नजर आ नहीं रही है। ये किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं करेगी तथा निडर रहेगी, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता है, ऐसा हम 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आगे बताऊंगा। अर्थात ये कन्या आगे चलकर पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस, ये सारी जॉब भी ये बच्ची कर सकती है इस मंगल की वजह से। मंगल की चौथी दृष्टि 10th हाउस पर 11 से लेके देखिए 2 की तरफ एक एरो, ये कर्म स्थान पर दृष्टि इस बच्ची को बहुत अच्छी तरक्की के साथ बहुत दूर तक तरक्की करवाएगी, और आपके खानदान में अभी तक जितनी लड़कियां पैदा हुई उन लड़कियों में सबसे ज्यादा तरक्की करेगी। फिर 8वीं दृष्टि धन भाव पर है, 2nd हाउस पर है, कुटुंब भाव पर है, जिससे कुटुंब परिवार की रक्षा करने में तत्पर रहेगी। लेकिन एक समस्या है कि चंद्र मंगल की युति 7th भाव में अफेयर, शादी से पहले हो, शादी के बाद अफेयर हो, लव मैरिज हो, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज, ये सारा डिपार्टमेंट चंद्र मंगल के पास है। बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और इसका विवाह 20-21 साल में ही हो जाना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई ये करती रहे, वरना आपको तकलीफें बाद में बहुत ज्यादा आ सकती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि चिंता तो मत करिए, लेकिन सावधान जरूर रहिए, क्योंकि चंद्र मंगल की युति ही इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारे गलत चीजों में भी इन्वॉल्व कर देती है, और फिर उम्र भी ऐसी। आगे बढ़ते हैं, सप्तमेश और भाग्येश, यानी 11 और 1, ये शनि और मंगल है। शनि मंगल का स्थान परिवर्तन योग इसे साइंस लेकर पढ़ाई कराएंगे, यानी 11 के लॉर्ड 1 में शनि और 1 के लॉर्ड मंगल शनि के घर में, आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, परिवर्तन राजयोग बन गया, अब एक दूसरे घर का पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं सप्तमेश शनि नीच राशि के, ये एक वीक पॉइंट है, इस कारण मेहनत ज्यादा और परिणाम कम मिलेंगे, परंतु इस परिवर्तन योग के कारण ही दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां कम ही रहेगी, मतलब तकलीफों वाली कुंडली ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुंडली अच्छी है, तकलीफें कम है, पर छोटी सी तकलीफ भी कई बार उसका इलाज नहीं किया जाए तो बढ़ती रहती है। जैसा मैंने कहा बच्ची बंगली है तो ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में चल रही शनि की दशा जो कि 2032 तक है बहुत अच्छी रहेगी। अभी शनि में बुध मार्च 2019 तक है जो कि 12th क्लास में अच्छे अंकों से पास हो जाएगी। तो हमने अभी तक क्या बात की है कि इस बच्ची के साइंस लेकर पढ़ाई करने की होगी, मेडिकल भी ले सकती है, इंजीनियरिंग भी ले सकती है, मास्टर डिग्री तक पढ़ाई कराएगी। साथ में हमने बात की कि इसकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी और गुस्सेल और जिद्दी रहेगी। फिर हमने क्या बात की कि चंद्र मंगल की युति की वजह से भटक सकती है, पर ऐसे दुष्कर्म होने की संभावना कम है, ये खुद की इच्छा से ये सारे अफेयर कर सकती है, उसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, हो सके तो इसे हॉस्टल में एडमिट करा दीजिए, एडमिशन दिलवा दीजिए। निष्कर्ष क्या निकलता हमारी बातचीत का कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहन करने वाला अधिक दोषी होता है, ना तो अन्याय करना चाहिए और ना ही उसे सहन करना चाहिए। सर्वप्रथम आज तक आपने जो नारकीय जीवन दैहिक शोषण के साथ जिया है, यानी आपने सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करते हुए अपने आर्थिक तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए आपने उस व्यक्ति का सहारा लिया, उसने आपको सहारा दिया, बदले में उसने आपसे लाभ उठाया, अब ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसे फर्स्ट चांस में ही आप रिजेक्ट कर देते और किसी भी प्रकार से भले कपड़े आप सीती, आप घर घर में जाकर बर्तन मांझती, ये सारे काम भी आप कर सकती, जिससे आपके स्वाभिमान रहता, एक छोटे से कमरे के मकान में भी हम रह सकते थे। स्ट्रांग आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, इसी से मकान मालिक और आपके जो दोस्त के, आपके जो पति के दोस्त हैं उनकी हिम्मत बढ़ी। कमजोर को ही सब डराते हैं, यह दुनिया की रीत है, स्वयं को कमजोर ना समझें, आप नारी शक्ति हैं, अपने अंदर शक्ति को पहचानें और पूरी निडरता से उस इंसान की बदनीयत का सामना करें, उसे समाज का भय दिखाएं, वो अवश्य भयभीत होगा, और स्वयं कुछ काम सीखें और धन कमाने का प्रयास करें, सफलता अवश्य आपको मिल पाएगी। कुछ उपाय आपकी बच्चे के लिए बता रहा हूं और आपके लिए बता रहा हूं, वो आपको जरूर करने चाहिए। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनय नमः के 23,000 मंत्र जाप करने चाहिए। सूर्य देव को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, उसके पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और मां बगलामुखी कवच परिवार के सभी सदस्य सुरक्षा के लिए गले में धारण करें तथा मां बगलामुखी यंत्र की पूजा रात्रि में जरूर करिए, तो मां आपकी रक्षा करेगी। तो यह था जन्म कुंडली का विश्लेषण।
गुरुदेव सुरेश श्री माली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 9 अक्टूबर पुणे। संपर्क करें 02915190000, 9314728165, 8 अक्टूबर नागपुर 9371073487, 7722076953, 10 अक्टूबर नासिक 9370590536, 9372165949, 11 और 12 अक्टूबर मुंबई। संपर्क करें 9324272446, 9322377660। जन्म कुंडली विश्लेषण। अधिकतर पति पत्नी की यह इच्छा होती है कि उनके यहां बेटा पैदा हो। वंश बढ़ाने वाला तो बेटा ही होता है, ऐसा सबका मानना है। अगर बेटा नहीं हुआ तो वंश कैसे बढ़ेगा? इस 21वीं सदी में भी लोग इस मानसिकता को जरूर पाले हुए हैं, जहां बेटे की चाह में एक के बाद 3-4 बेटियां हो जाने के किस्से हम रोजाना ही सुनते हैं। वो पुत्र मोह से उभर नहीं पाते, उनकी अपनी जगह पर उनकी खुशी जायज है। हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि बेटा पाना या बेटा होना या बेटे की चाह रखना कोई गलत चीज है। बहुत कम ऐसे लोग देखने में मिलेंगे जहां पति पत्नी बेटी की ही इच्छा रखते हों। मैं आज के कुंडली विश्लेषण में ऐसे ही पति पत्नी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें बीज रोपण जब गर्भवती महिला पहली बार हुई थी तो उससे पहले उन्होंने बेटी की चाह रखी थी और नाम भी सोच लिया था। 3 बार के प्रयासों में हर बार इनके यहां बेटा पैदा हुआ और इस वक्त इनके पास 3 बेटे मौजूद हैं। और ये हताश और निराश 31 साल के पति और 29 साल की पत्नी ने मुझसे ये जानने की कोशिश की है कि इन दोनों की कुंडलियों में क्या कोई बेटी का योग है, तो हम आगे ट्राई करें, वरना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अब जनसंख्या ही बढ़ाते जा रहे हैं कि एक के बाद एक एक बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और आगे भी कहीं बेटा ही पैदा हो जाए। जब से इनकी पत्नी घर में आई है, इनके जीवन में खुशहाली छा गई है। पति कहते हैं कि मैंने अपने नाम से जब भी व्यापार किया तो टोटल फेलियर रहा हूं, हमेशा पैसे फंसे, नुकसान, धोखे हुए। लेकिन सेम व्यापार मैंने जब अपनी पत्नी के नाम से किया तो वो अच्छा चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मैं एक बड़ा बंगला बनाने की सोच रहा हूं, तो वो मैं किसके नाम से बनाऊं, मेरे खुद के नाम से या मेरी पत्नी के नाम से? आइए देखते हैं कि क्या कहती इन दोनों की कुंडलियां, क्या इनको बेटी का सुख मिलेगा और क्या इनको बंगला नसीब में है और किसके नाम से बनाना चाहिए। यही चंद सवालों के जवाब हम इन दोनों की कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पति की कुंडली क्या कहती है। देखिए, इस वक्त ये कुंडली आपके सामने 9 नंबर से शुरू होती है, जिसे हम धनु लग्न की कुंडली कहते हैं। धनु यानी धनुष बाण, और उसका एक टारगेट होता है जिंदगी में। तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कुछ टारगेट बना के रखते हैं, मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो वो टारगेट पर ही छोड़ा जाता है और वो टारगेट इनको हासिल जरूर होगा। लग्न के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति लग्न में ही विराजमान होकर पंच महापुरुष योग में से एक अति सुंदर हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि बृहस्पति को लग्न में सबसे बढ़िया माना गया है। अगर बृहस्पति केंद्र में हो तो किम कुर्वत सर्वे ग्रह, बाकी सारे प्लैनेट कितने ही खराब हो जाए, अकेला बृहस्पति पूरे कुंडली की बागडोर अपने पास रखता है। और बृहस्पति संतान के कारक ग्रह भी है, जिसे ज्योतिष में पुरुष ग्रह माना गया है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, देखिए 9 से 1 की तरफ शुभ दृष्टि संतान भाव पर है, जो कि पुत्र संतान का सुख ही देती है। वहीं पंचमेश बनते मंगल, जहां पर दृष्टि है वहां के लॉर्ड, जो कि पुरुष संतान, मंगल भी बेटे का ही कारक रहे, वो नाश भाव में विराजित होकर, देखिए जहां 8 नंबर लिखे हुए मंगल और केतु विराजमान है, वहां विराजित होकर केतु के साथ युति बनाने से पुत्र से आपकी बनेगी नहीं
और इस दोष यानी अंगारक जो दोष बन रहा है इसके कारण इंसान का पैसा फंसता है, नुकसान और धोखे होते हैं। इसी अंगारक दोष ने आपको बेटे तो दिए लेकिन बेटे से आपके नहीं बनने देगा, पिता पुत्र के झगड़े जरूर होंगे। वहीं अंगारक दोष ट्वेल्थ हाउस में जो नाश का घर है तो बिजनेस का आज तक आपको नाश मिला है जब आपने खुद के नाम से किए। आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है कि भाग्येश सूर्य जो पांच नंबर जहां लिखे हुए हैं इसके सूर्य जो है वो कर्म भाव में विराजमान है, पांच नंबर के लॉर्ड छह नंबर विराजमान मित्र बुध के घर में, और बुध पुनः भाग्य स्थान में मित्र सूर्य के घर में है। परिवर्तन राजयोग, आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको हम एक दूसरे घर का पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं बुध पत्नी और व्यापार भाव के स्वामी है जहां पर तीन नंबर लिखे हुए हैं, वो कुंडली का सेवंथ हाउस होता है जो बिजनेस का भी होता है, हमारे पार्टनर का भी होता है, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अतः पत्नी के नाम से व्यापार से बुध ने आपको इज्जत धन दौलत सब कुछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भूमि का कारक मंगल तो आपका डैमेज है, जो मैंने आपको पहले बताया था अंगारक दोष, परंतु खुद के घर और स्थायी संपत्ति के कारक ग्रह शनि होते हैं, वो प्रॉफिट हाउस में जहां पर सात नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए शुक्र और शनि विराजमान है प्रॉफिट हाउस में उच्च के मित्र शुक्र के साथ शुभ, परंतु ये दोनों ही पाप कर्तरी दोष में ग्रसित है। यानी देखिए इलेवंथ हाउस जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं शुक्र और शनि, इसके आगे मंगल और केतु जैसे पापी ग्रह और पीछे सूर्य, शनि और केतु के दुश्मन है सूर्य, अतः सुंदर योग भी आपका कमजोर बन गया। यानी आपको अपने नाम से घर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए वरना आप उसे भी बेच देंगे, उसमें रह नहीं पाएंगे, रहने के बाद दुखी रहेंगे, फिर वापस आपको आकर पुराने मकान में रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इनकी पत्नी की कुंडली क्या कहती है। इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि आपके बेटी का कोई सुख नहीं, सब बेटे का ही सुख है। अब पत्नी की कुंडली देखते हैं। आइए ये देखिए सात नंबर की इस वक्त आपको कुंडली दिखाई दे रही है जहां लग्न में ही शुक्र और बुध विराजमान है तुला राशि में। तुला लग्न की कुंडली हो गई। तुला अर्थात तराजू, किसी चीज को बैलेंस रखना या नहीं रखना, ये दो ही काम में तराजू के, नाप तोल के बोलना, न्यायपूर्वक बातों पर विश्वास करना, इस लग्न के इंसान को ज्यादा पसंद होता है। इनके साथ अन्याय हो तो ये सहन नहीं करते हैं। यहां पर लग्नेश शुक्र भाग्येश बुध जहां पर तीन नंबर लिखे इसके लॉर्ड बुध के साथ विराजमान है, तो दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वैसे भी ब्रह्मांड में अगर देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध और शुक्र है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं शुक्र बुध। इससे बन गया लक्ष्मी नारायण योग, तो आपके पति तो करते हैं मेहनत, एंजॉय करती हैं आप, वहीं शुक्र केंद्र में विराजमान होकर अति सुंदर मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग धनाढ्य बनाता है, स्वभाव सौम्य और व्यवहार मधुर बनाता है। आपने महिलाओं को हीरा पहनते हुए देखा होगा, पुरुष नहीं पहनते हैं, पुरुष कर्म प्रदान दिन भर मेहनत करते हैं, महिलाएं अच्छी साड़ियां पहनती हैं, अच्छे गहने पहनती हैं, एंजॉय करती हैं, सज धज के तैयार होती है, क्योंकि उनकी ही कोई किसी प्रकार की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसका शुक्र बलवान हो उसको जिंदगी में सारे शौक और सब एंजॉय करने के साधन मिल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस जो प्रॉपर्टी का होता है, देखिए दस नंबर जहां पर चंद्रमा और मंगल विराजमान है मकर राशि में, प्रॉपर्टी और स्वयं के घर का होता है, वह उच्च के मंगल विराजमान होकर रोचक योग बना रहे। मंगल के साथ कर्म भाव के लॉर्ड चंद्रमा विराजित है, धनलक्ष्मी महालक्ष्मी योग बना रहे। जब से इनका अपने ससुराल में पदार्पण हुआ है निश्चित रूप से उस दिन से पति के सितारे बुलंदियों पर रह रहे हैं, पति के जीवन में खुशहाली भी आई है, और इसी योग के कारण आपको अपने नाम से मकान बनवाना चाहिए और खुद का मकान बनाकर अपनी रजिस्ट्री करवा के अपने ही पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी अपने पति को कोई धोखा नहीं देने वाली है। और हम सब इसी बात में खुश रहते हैं कि हमारी पत्नी अगर लकी है हमारे लिए तो हम सब कुछ उन्हीं के नाम से नाम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव संतान सुखों के लॉर्ड शनि कुटुंब स्थान में विराजित है, और शनि की दृष्टि मंगल से बन रही है, मंगल से सूर्य, मंगल ने सूर्य का नक्षत्र लिया है, मंगल और सूर्य दोनों पुरुष ग्रह हैं जो पुत्र संतान देते हैं। वहीं गुरु की भी, मतलब गुरु भी पुत्र संतान के ही कारक है जो संतान भाव में विराजमान है, जहां पर 11 नंबर लिखे हुए वहीं पर विराजमान है, परंतु स्थान हानि करो जीव सिद्धांत, यानी जहां बैठते वहां की हानि करते, इस आधार पर संतान के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाएंगे तो यहां पर भी आपकी बेटी होने की संभावना नहीं के बराबर है, और हो गई तो उसे कोई न कोई तकलीफ जरूर होगी। तो हमने दोनों बातें की, एक तो आप दोनों को बेटों का सुख ज्यादा बेटी का नहीं है, दूसरी हमने क्या बात की मकान आपको किसके नाम से बनाना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है,
आपके एक नहीं तीन बेटियां आने का योग है, क्योंकि तीनों बेटों के लिए जो बहुएं आएंगी उन्हें आपको बेटी ही समझना चाहिए। आपको आगे संतान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जहां तक घर बनाने का प्रश्न था तो वो पत्नी के नाम से ही बनवाएं, और वो भी 26 जनवरी 2017 के बाद जब शनि धनु राशि में आ जाएंगे। कुछ उपाय करिए जिससे आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। सबसे पहले अंगारक दोष निवारण के लिए नौ नारियल चोटी वाले सूखे होने चाहिए, वो लेकर किसी भी अलग अलग जगह पर कपड़े में लपेटकर या तो दान कर दीजिए, मौली और कलावा बांधकर किसी जमीन में गाड़ दीजिए, या फिर बहते जल में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। घड़ी की विपरीत दिशा में 7 अथवा 9 बार घुमाकर उसे बहते हुए पानी में डाल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और अमावस्या के दिन बहते हुए पानी में डालें तो और भी बेहतर है। यह उपाय 9 अमावस्या तक आपको लगातार करना चाहिए। पति पत्नी दोनों एकल शक्ति कवच गले में धारण करें, और पति सिद्ध बीसा यंत्र में 7.25 कैरेट का पोखराज मूंगा और माणिक्य धारण करें, और पत्नी शुक्र यंत्र में 7.25 रति का नीलम और पन्ना धारण करें। तो यह था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। हो सकता है कि आप भी ऐसी किसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे होंगे। हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। टेलीफोन पर भी कर सकते हैं आप, हमारे सारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नव दुर्गा शक्ति साधना 1 से 10 अक्टूबर। हमारा जीवन हजारों बाधाओं से घिरा हुआ है, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में अनेक शत्रु हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां व समस्याएं हैं। हम गरीबी से लड़ रहे हैं, शारीरिक व मानसिक कष्टों से जूझ रहे हैं, साथ ही व्यापार में आई न्यूनता व पारिवारिक तनाव से घिरे हुए हैं। फिर आखिर कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से हम निर्भय व सुखी रह सके? ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प नजर आता है, और वह है माँ का द्वार। तो आइए नवरात्रा के महापावन पर्व पर संपन्न करें नव दुर्गा शक्ति साधना, और माँ को प्रसन्न कर पाएंगे उनका आशीर्वाद। नव दुर्गा शक्ति साधना पैकेट में आप पाएंगे मंत्र सिद्धि नव दुर्गा शक्ति यंत्र, अभिमंत्रित नव दुर्गा कवच, नव दुर्गा माला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 243-2625, 9829026625, 8955896625, ईमेल info@grahukakhel.com.in, वेबसाइट www.grahukakhel.com.in।